उत्तर प्रदेश में आयोजित अब तक की सबसे बड़ी पुलिस आरक्षी भर्ती की लिखित परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रदेश में अब तक पुलिस विभाग में इतने बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई थी। 5 दिनों 23, 24, 25 साथ ही 30 और 31 अगस्त को ये परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कराई गईं। अब परीक्षा सकुशल संपन्न होने पर सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से सबको बधाई दी है। उन्होंने लिखा, यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,200 से अधिक पदों पर चयन के लिए आयोजित लिखित परीक्षा 2023 के निष्पक्ष पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने की सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। परीक्षा में सहभागिता करने वाले सभी ऊर्जावान और अनुशासित युवाओं को मनुकूल परिणाम प्राप्त हो, सभी का भविष्य उज्जवल हो, इस हेतु अनंत मंगल कामनाएं। विश्व की सबसे बड़ी सिविल पुलिस भर्ती परीक्षा को सफलतापूर्वक सकुशल संपन्न कराने में सहयोगी सभी जनों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड और समस्त जनपदों के जिला प्रशासन को हृदय से धन्यवाद। इसके आगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखकर उस बात का भी ऐलान कर दिया जिसे वो बहुत बार मंच से कह चुके हैं कि 60,000 से अधिक पुलिस आरक्षी चयन प्रक्रिया में 15,000 से अधिक बेटियों की भर्ती होगी। शुचिता के साथ सुचारू ढंग से परीक्षा संपन्न हुई, इससे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एवं सुशासन का मॉडल और अधिक समृद्ध होगा। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट से भी पुलिस परीक्षा अच्छे से पूरा होने पर कहा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में पुलिस और बोर्ड दोनों ही पास हो गए। अब 15,000 से अधिक बेटियां बनेंगी सिपाही। बता दें कि कल पूरे प्रदेश में पुलिस विभाग के 60,244 आरक्षी पदों के लिए जारी लिखित परीक्षा प्रक्रिया के समापन पर अभ्यर्थियों के चेहरे खिले हुए थे, उनकी आंखों में उज्जवल भविष्य की उम्मीदें थी। वहीं सेंटर के बाहर परीक्षार्थियों के अभिभावकों की भी भीड़ देखने को मिली, जो अपने बच्चों की मेहनत को सराहते हुए उनके बेहतर कल को लेकर आश्वस्त थे। सीएम योगी ने खुद कुछ दिनों पहले अपने संबोधनों में प्रदेश की जनता को आश्वासन दिया था कि पुलिस भर्ती परीक्षा नजीर बनने जा रही है। बता दें कि इसी साल फरवरी में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिसे फिर रद्द कर दिया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त इस परीक्षा को दोबारा कराए जाने का ऐलान किया था, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी, क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं नजीर बन जाए। बता दें कि पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए 1,97,859 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इस दौरान पीएसी की 25 और सीआरपीएफ की 8 कंपनियों की भी सेवाएं ली गईं, जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में 1,174 केंद्रों पर ये परीक्षाएं संपन्न हुईं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।